यस वी आर स्टार्टिंग फ्रेंड, मैं आप सभी का दोस्त स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। सो गाइस, आपको पता ही होगा जो सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें NCERT 2005 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी सीरीज में मैंने सोचा एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर सकूं ताकि आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले इस पार्टिकुलर टॉपिक को कवरअप करके जाएं ताकि आपका 1-2 मार्क्स क्लियर हो सके। तो चलिए उसी कंट्रीब्यूशन में मेरा एक छोटा सा यहाँ पे आप कह सकते हैं एक सहयोग है आपके लिए। आप इस वीडियो को देख कर जाएंगे तो निश्चित ही आपको 2 या 3 मार्क्स इस पार्टिकुलर टॉपिक से मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने सीटेट का एग्ज़ाम अभी हाल ही में दिया है, मेरा एग्ज़ाम 24 को था, तो मुझे पता है क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा गाइस। सो आपको निश्चित ही फेथ बना के जाना है और निश्चित ही आप वहाँ पे रटने से ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को मैं यहीं पर शुरू करता हूँ, और जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, उसको निश्चित ही कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सीटेट 2021 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे NCERT 2005 भी बोलते हैं, इसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भी बोलते हैं। तो इस पार्टिकुलर टॉपिक को लाने का श्रेय ये रहा है कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले आप एक बार इस पार्टिकुलर टॉपिक को जान के जाएं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो सके। तो चलिए मैं सीधे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा NCERT के बारे में आपको बता देता हूँ, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी तो निश्चित ही आप क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, स्कूल में बच्चों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 NCERT, जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी बोलते हैं, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। NCERT 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता उदार आनंद बचपन की एक कुंजी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। तो गाइस, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा NCERT 2005 क्या है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध था जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति, वहाँ से इसको लिया गया है, वहाँ से इसकी थीम है। और वो मानते हैं कि जो सृजनात्मकता है वो आनंद बचपन की कुंजी है, तो निश्चित ही उनकी जो विचार हैं इस पार्टिकुलर NCERT में समाहित किया गया है। और इसे अगर बात करें संविधान में कहाँ जगह दी गई है, तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें इसको जगह दी गई है। और उसमें जितनी भी भाषाएं हैं, आपको पता है 22 भाषाएं बताई गई हैं हमारे संविधान में, उन सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। अब चलिए चलता हूँ सीधे क्वेश्चन की तरफ, वहाँ मैं आपको बताऊँगा पार्टिकुलर क्वेश्चन कैसे हैं और आप उन क्वेश्चनों से NCERT को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए मैं सीधे चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, राष्ट्रीय संचालक समिति के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे बात हो रही है NCERT 2005 की, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, प्रोफेसर यशपाल, यहाँ पे आंसर बन जाएगा प्रोफेसर यशपाल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे पूछा जा रहा है NCERT 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो एक शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बन जाएगा बी, सुविधादाता, एज अ फैसिलिटेटर की तरह शिक्षक को अपनी भूमिका वहाँ पे निर्वहन करनी चाहिए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है, तो मैंने अभी आपको बताया है स्टार्टिंग में, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनका एक निबंध है, उनके उस निबंध से ये थीम ली गई है, तो आपको बताना यहाँ पे वो कौन सा निबंध है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सभ्यता और प्रगति। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है, क्या आता है, तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बन जाएगा डी, यानी कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये भी सही है, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, यह भी इसका आप कह सकते हैं दिशा निर्देश है, और परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, तो इट मीन्स सारे ही ऑप्शन इसके सही हैं, तो उपरोक्त सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की, क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन क्या है, तो यहाँ पे NCERT 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर बन जाएगा सी, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए।
फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे पूछा जा रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाएगा ए, एग्जाम के निर्माण की प्रक्रिया। एक बात आप ध्यान रखेंगे गाइस, आप जब भी एग्जाम में जा रहे हो तो निश्चित ही जितने भी पहले तो एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, एक से दो बार अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पार्टिकुलर क्वेश्चन का मीन समझ में आएगा कि वो पूछ क्या रहा है। और ज़्यादातर आप कोशिश करिएगा जितने भी पॉजिटिव ऑप्शन होते हैं उस पर ज़्यादा टिक करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सीटर जितने भी क्वेश्चन पूछता है वो मोस्टली बच्चों से ओरिएंटेड ही पूछता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है उसका आंसर, और साथ ही साथ पॉजिटिविटी ज़्यादा दिख रही होती है। इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है यदि आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फिर यहाँ पे आपको दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो बन जाएगा ए, अभिरुचियों के अनुरूप। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो जो क्लास टीचर होता है उसकी एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या भूमिका होनी चाहिए? तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बन जाएगा क्या, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बन जाएगा बी, एक उत्प्रेरक के रूप में। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। गाइस ध्यान रखेंगे नहीं वर्ड कई बार सीटेट एग्जाम में पूछता है, आप ध्यान से नहीं पढ़ते क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन को यहाँ पे आपको टिक करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका सी नंबर। सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पे एक ही तरह से सीखते हैं ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर बच्चे की जो पर्सनालिटी होती है वो अलग अलग होती है, वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो बन जाएगा सी। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले जो वर्ग हैं उन बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा उनकी मातृभाषा में। क्लियर है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बन जाएगा सी नंबर, यानी कि दैनिक गतिविधियों के आधार पर उनका आकलन किया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डेड डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भीड़ भाड़ वाली जो कक्षा है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पे ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो उन कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। किस प्रकार के अध्यापन की बात करना निरर्थक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा 12 का आंसर नंबर डी, सृजनशील। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि बच्चे होते हैं तो भी दर्शाते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप क्या समझ पा रहे हैं? पहले इस क्वेश्चन को समझिए फिर ऑप्शन की तरफ आइए। यदि बच्चे होते हैं तो भी दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो बन जाएगा ए, उस स्कूल की असफलता को। ठीक है, यानी कि कोई भी गलती हो तो वहाँ पे बच्चों को आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि यहाँ पे बच्चों की गलती है, बल्कि यहाँ पे आपको स्कूल की असफलता की ओर आप कहेंगे वो कमियाँ इंडिकेट कर रही हैं, इसलिए हम बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार से उनको हम कह सकते हैं कि गलत नहीं ठहरा सकते, ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पढ़िए ध्यान से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे आंसर बन जाना चाहिए उपरोक्त सभी, क्यों? क्योंकि तार्किक ढंग से सोचने की बात करता है एनसीएफ, अमूर्तनों का निर्माण करना सिखाता है एनसीएफ 2005, और संचालित करने की योग्यता का विकास करना भी सिखाता है एनसीएफ 2005। एट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है और आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो डैड एस की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए, तो ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। कहा जा रहा है कि डैड एस की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे आंसर बन जाएगा बी नंबर, पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। सो यहाँ पे ये आपके टोटल थे 15 क्वेश्चन, एंड आई होप कि
होपफुली आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, उनके ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, और मुझे यकीन है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपके मेन एग्ज़ाम में। और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मुझे यकीन है आप अच्छा करेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो निश्चित ही फेथ बना के जाइए और जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको दूर रखिए, और ये यकीन मानिए कि जो भी आपने पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आएंगे, इसलिए हमेशा खुद पर बिलीव रखो। चलो फिर यहीं पर क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे, और चलिए फिर आप सभी का बहुत धन्यवाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो यार दोस्तों लाइक शेयर करो यार, और चैनल आपका ही है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचती रहे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए मैं आपको एक कोटेशन से ख़त्म करूंगा इस वीडियो को। तो कलाम जी कहते हैं कि टाइम इज़ लाइक अ रिवर, ठीक है, निश्चित ही जो समय है वो नदी के पानी की तरह है। क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट टच द सेम वाटर ट्वाइस, क्योंकि आप एक ही प्रकार का वाटर दोबारा टच नहीं कर सकते। बिकॉज द फ्लो दैट हैज पास्ड विल नेवर पास अगेन, यानी कि जो बहता हुआ पानी चल रहा होता है एक बार आपने उसको टच कर लिया तो जो पास हो चुका है, जो वाटर आपने टच किया वो पास हो चुका है, तो उस वाटर को आप दोबारा टच नहीं कर सकते। इसलिए एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण का इस्तेमाल करिए, उसका एंजॉय करिए, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमेशा कभी भी टेंस में ना रहा करिए, जो भी है वो आपके लिए ही है। तो सरकमस्टांस जो भी परिस्थितियाँ हैं अगर आपके अनुकूल नहीं है तो ये इंडिकेट करती हैं कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलो यार गाइस यही भी वीडियो को मैं एंड अप करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।